मीडिया कवर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन सूबे नोवा स्कोशिया में बर्फानी तूफान से निजामे जिंदगी दरहम बरहम। सूबे में 3 फुट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मुकामी रियासतों को हंगामी सूरत हाल का सामना। कैनेडियन वजीर आजम और गवर्नर जनरल का बादशाह चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ट्रूडो का कहना था कि बादशाह की तेज़ रफ्तार और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए पुरउम्मीद हैं। हम बादशाह के लिए अपनी नेक तमन्नाएं भेज रहे हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में तूफानी बारिशों ने बड़ी तबाही मचा दी। 4 करोड़ अफराद मुतासर। दरख्त गिरने से कम अज़ कम 3 अफराद हलाक हो गए। हज़ारों अफराद को तूफान के असरात नज़र आने से पहले ही महफूज मुकामात पर मुंतकल कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canadian Sube Nova Scotia mein barfani tufaan se nizam zindagi darham barham ho gaya. Sube ki janib se dusre subon aur wafaqi hukumat se madad ki appeal ki gayi hai. मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनेडियन सूबे नोवा स्कोशिया में बर्फानी तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। कनाडा के साहिली इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। कनेडियन सूबे नोवा स्कोशिया के मुख्तलिफ इलाकों में 3 फुट से जायद बर्फबारी हुई, जबकि जनूब मशरकी केप ब्रेटन और अतराफ में 39 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। घरों के दरवाजों तक बर्फ जमा हो गई और लोग घरों में महसूर हो गए। शहरी अपनी मदद आप के तहत बर्फ हटाते रहे। 3 दिन तक जारी रहने वाले बर्फानी तूफान ने नोवा स्कोटिया और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के कुछ हिस्सों को 150 सेंटीमीटर तक बर्फ से ढक दिया, जिससे मकामी रियासतों को हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा और दूसरे सूबों और विफाकी हुकूमत से मदद की अपील की गई। नोवा स्कोशिया के प्रीमियर टीम ह्यूस्टन ने कहा है कि न्यू ब्रंसविक और PEI से बर्फ साफ करने में मदद जारी है। उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत केप ब्रेटन हाईलैंड्स नेशनल पार्क से बर्फ साफ करने वाले सामान के साथ मदद फराहम कर रही है। ह्यूस्टन ने कहा कि कुछ देही सड़कों को साफ होने में कुछ दिन लगेंगे। नोवा स्कोशिया के प्रीमियर का कहना था कि जब हम सब एक ही सफ़े पर होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप जान लें कि बहुत सारे अच्छे लोग आपको महफूज रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ह्यूस्टन ने इतवार को हंगामी तैयारी के वफाकी वजीर हरजीत सज्जन को खत लिखा, जिसमें बर्फ हटाने में मदद के लिए, भारी सामान को तेजी से भरने में मदद के लिए, पोर्टेबल ईंधन जखीरा करने और सामान की फराहमी और मुमकिन इनखिला में मदद के लिए हवाई नकलो हमल की दरखास्त की गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सज्जन ने कहा कि उनकी टीम सबसे ज्यादा मौसर तरीकों का फाल तौर पर जायजा ले रही है, जिनके जरिए हम मदद कर सकते हैं और जरूरत के मुताबिक मदद फराहम कर सकते हैं। ज्यादातर स्कूलों ने पीर की सुब, क्रेप ब्रिटेन और हेलीफैक्स में अपने दरवाजे बंद करने का इंतखाब किया। हेलीफैक्स स्टैनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत सी परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और गवर्नर जनरल मेरी साइमन की जानिब से बादशाह चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। मजीद तफसलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और गवर्नर जनरल मेरी साइमन की जानिब से बादशाह चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो पीर के रोज कैनेडा और दुनिया भर के खैर ख्वाहों के एक ग्रुप में शामिल हुए, जिसमें बकिंगम पैलेस की जानिब से बादशाह चार्ल्स के कैंसर की तशखीस होने के इंकशाफ के बाद बादशाह चार्ल्स की जल्द सेहत याबी की ख्वाहिश की गई। ट्रूडो ने कहा कि ये खबर सुनने के बाद वो बादशाह के बारे में सोच रहे हैं, जैसा कि अनगिनत दूसरे लोग भी हैं। ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं मुल्क भर के कैनेडियन और दुनिया भर के लोगों की तरह हिज मैजेस्टी किंग चार्ल्स सोम के बारे में सोच रहा हूँ, जब वो कैंसर के इलाज से गुजर रहे हैं।
हम अपनी नेक तमन्नाएं भेज रहे हैं और तेज रफ्तार और मुकम्मल सेहतयाबी की उम्मीद कर रहे हैं। गवर्नर जनरल मेरी साइमन ने कहा कि वो तमाम कैनेडियनों की तरह बादशाह के इलाज के आगाज पर उन्हें नेक ख्वाहिशात भेज रही हैं। एक बयान में साइमन ने बादशाह की तारीफ की कि वो अपनी तशखीस का इश्तराक करने के लिए मिसाल के तौर पर रहनुमाई करते हैं। उन्होंने लिखा कि बादशाह को कैंसर का इतना खुलेआम और अवामी तौर पर एतराफ़ करते हुए देखकर उम्मीद है कि उन लोगों की हौसला अफजाई होगी जो अपने इलाज के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि हम बादशाह की ताकत और अवाम की तारीफ करते हैं क्योंकि वो इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं। महल ने इजाफी तफसीलात जारी नहीं की सिवाय इसके कि कैंसर का ताल्लुक प्रोटेस्ट की सोमी हालत के बादशाह के इलाज से नहीं है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में तूफानी बारिशों से बड़ी तबाही मच गई है। दरख्त गिरने से कम अज कम 3 अफराद हलाक हो गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में तूफानी बारिशों ने बड़ी तबाही मचा दी। दरख्त गिरने से कम अज कम 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि ताकतवर तूफान सैलाब मिट्टी के तोदे गिरने और बिजली की बंदिश का बाइस बना। कैलिफोर्निया के शुमाल और जनूब में बाज़ इलाकों में हज़ारों अफराद को तूफान के असरात नजर आने से पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मौसलाधार बारिश की वजह से रियासत में 4 करोड़ अफराद मुतासिर हुए हैं। 6 लाख से ज्यादा सारिफिन बिजली से महरूम हुए, सड़कें तालाब बन गई, गाड़ियां कीचड़ में धस गईं और मुतअद्दिद घरों को भी नुकसान पहुंचा, जिस पर गवर्नर कैलिफोर्निया ने 8 काउंटीज में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में तूफानी बारिशों से तबाही मच गई। शहर लॉस एंजलिस में मौसलाधार 8 इंच बारिश हुई और बारिश का 20 साल रिकॉर्ड टूट गया, जहां मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए। माहिरीन का कहना है कि यह तूफान एक माहौलियाती दरिया के असर की वजह से आया है, जिसमें होता यह है कि पानी हवा में बुखारात बन जाता है जिसे हवा लेकर चलने लगती है और आसमान में इससे बहती हुई लंबी धारें बन जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे जमीन पर दरिया बहते हैं। सुस्त रफ्तारी से चलने वाला यह तूफान 2 हफ्तों में कैलिफोर्निया से टकराने वाला दूसरा माहौलियाती दरिया है। रियासत में फायर हुकाम के मुताबिक 130 से ज्यादा मकामात पर सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई, जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहने और सैलाब की पेशगोई की है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान निमरा कवर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।